हेलो वेलकम टू आर्टनिक चैनल। इस ड्राइंग को हमने हमारे ड्राइंग वाले सेक्शन में बनाना बता चुके हैं, वहां से आप इसे डाउनलोड कर लें और कॉपी कर लें। इसे बड़ा बनाने के लिए एनलार्ज करा लें और फिर उसे ट्रेसिंग पेपर पर इस तरह से कॉपी करके रेडी कर लें। इस तरह से पेन से हम इसे ड्रॉ करेंगे ट्रेसिंग पेपर पर, तो ये पूरा इसी तरह कॉपी बन जाएगी। कॉपी करने के बाद में इसमें ट्रेसिंग पेपर में इस तरह से निडिल से होल करके पूरी डिज़ाइन में से ट्रेसिंग के लिए रेडी कर लें। इस जो एक बालिश वाला निशान आया है उसमें हम डिज़ाइन को इस तरह से एडजस्ट करेंगे। डिज़ाइन का कोई भी एक पॉइंट एडजस्ट करके उसे स्ट्रेट में पूरी डिज़ाइन को ट्रेस कर लेंगे। ट्रेसिंग करने के लिए हम इस तरह का ब्लू पाउडर और केरोसिन का मिक्सचर यूज़ कर रहे हैं। यह कॉटन में पाउडर को इस तरह केरोसिन में मिक्स कर लें और कॉटन में इस तरह से इसे ले लें। अगर केरोसिन ना अवेलेबल हो तो फिर हम इसकी जगह तारपीन का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह लेकर हम डिज़ाइन को एडजस्ट करके इसके ऊपर इस तरह से रब करेंगे। इस तरह से डिज़ाइन उतर जाएगी। इस पेंटिंग को बनाने के लिए हमने लिए हैं फ्लैट ब्रश, 1 नंबर फ्लैट ब्रश लीजिए, राउंड ब्रश 0 नंबर का लीजिए, और ये फैब्रिक कलर है कैमल के, ये लाइट ग्रीन है 240, ये डार्क ग्रीन है सैप ग्रीन 391 नंबर, ये फेविक्रिल के कलर हैं माउ MAUVE 15, वाइट 27 एंड ये पिंक है 18 नंबर रिंग। डिज़ाइन को कंप्लीट करने के लिए इस तरह हम पहले ग्रीन वर्क कंप्लीट करेंगे, तो इसके लिए आप इस तरह फ्लैट ब्रश में लाइट ग्रीन कलर लीजिए, इसे अप्लाई कर दीजिए पूरी पत्ती में। इस तरह अप्लाई करने के बाद में ब्रश को पोंछ लेंगे। अब इसमें हम इसे और लाइट बनाने के लिए थोड़ा सा वाइट मिक्स करेंगे। इस तरह से इसे मिक्स कर लें। अब हम 0 नंबर के ब्रश से इस तरह डार्क ग्रीन कलर लेंगे और इसकी बॉर्डर पर इस तरह से कर्व बनाते हुए इसे आगे बढ़ाना है। सेंटर में भी इस तरह डार्क ग्रीन की लाइन बना लेंगे। अब इसे इस तरह से मिक्स करना है हमें बॉर्डर को स्ट्रोक लेते हुए, तो ये हमारी तरफ डाउन होना चाहिए। इस तरह बॉर्डर मिक्स करें। अब इनके जो एंड है इन्हें मिक्स करना है। सेंटर लाइन को अप साइड लेना है इसे। ब्रश को पोंछ लें। इस तरह वाइट को अप्लाई कर दें इसमें। अब इसे डाउन करना है इस तरह से।
इस तरह से इसे कंप्लीट। फ्लावर कंप्लीट करने के लिए इस तरह पर्पल कलर को ऊपर की बॉर्डर में लगा दें फ्लैट ब्रश से। ब्रश को पोंछ लेंगे हम, वाइट लेंगे, वाइट को नीचे से स्टार्ट करना इस तरह से। इस तरह कलर लगाने के बाद में जो दोनों की लेयर आई है उसे हम मिक्स करेंगे, तो ब्रश को इस तरह चलाते हुए आगे बढ़ाना है। फिर नीचे लेकर आएंगे, ब्रश को पोंछ लें। अब ये यहाँ पर ऊपर भी इस तरह से मिक्स कर दें इसे। इस तरह बनाएं और पूरी फ्लावर की बाहर की लेयर को हमें कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर अंदर वाली।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें जिससे हमारे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके.